बहराइच के जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के पंचम चरण अंतर्गत 57 केसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु 20 मई 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा 1 अप्रैल 2024 को संपन्न भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा समन्वय बैठक में हुई सहमति के क्रम में जनपद बहराइच के नेपाल राष्ट्र से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा 17 मई 2024 को शाम 5 बजे से 20 मई 2024 को मतदान समाप्ति की अवधि तक के लिए सील किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। डीएम मोनिका रानी ने बताया कि उपरोक्त अवधि में मेडिकल इमरजेंसी में पास जारी किए जाने हेतु एसएसबी कमांडेंट 42वीं वाहिनी व 59वीं वाहिनी बहराइच एवं 17वीं वाहिनी लखीमपुर खीरी अथवा उनके द्वारा नामित सहायक सेना नायक स्तर के प्रतिनिधि एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन करने हेतु पास जारी करने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट नानपारा व मिहिपुरवा पुलिस क्षेत्र अधिकारी नानपारा व मोतीपुर को अधिकृत किया जाता है। मैम, कैसरगंज लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या तैयारियां हैं और कितने बूथ बनाए गए हैं, कितने मतदाता इसमें प्रतिभाग करेंगे? 57 केसरगंज में जनपद बहराइच की 2 AC पड़ती हैं, पयागपुर और केसरगंज। इसमें कुल मिलाकर 7,80,609 हमारे मतदाता हैं और कुल 813 हमारे जो हैं वो मतदेय स्थल हैं। इसको हमने पूरे 6 जोनों में बांटा है और 67 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं, उनके साथ में मास्टर ट्रेनर भी लगाए हैं। जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं वो 161 हैं और उन सभी पर जो वेबकास्टिंग की माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए स्टैटिक मैजिस्ट्रेट वीडियोग्राफर लगाए गए हैं। इसके अलावा 407 बूथ ऐसे होंगे जिन पे वेबकास्टिंग जो है वो कराई जाएगी। लगभग हर बूथ पे हम लोग टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था कर रहे हैं और अपनी पोलिंग पार्टी के लिए भी खाने की सोने की पूरी पर्याप्त व्यवस्था जो है की जा रही है। तो सभी लोग बहुत ही सुरक्षित वातावरण में वहाँ पर अपने बूथ पर जाकर मतदान करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि पयागपुर और केसरगंज के जो मतदाता हैं वो 57 केसरगंज का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जो हमारे मॉडल बूथ हैं उसको भी देखें और सेल्फी भी लें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। मैडम, एक गाड़ियाँ चलाई गई हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, तो क्या जो मतदाता जागरूकता के लिए सभी ब्लॉकों के सभी गांवों में और जो शहरी क्षेत्र हैं उनके वार्ड में आज जो है मतदाता जागरूकता वाहन गया है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 20 मई को जो मतदान होना है 57 लोकसभा केसरगंज का, उसमें सभी लोग बाहर निकले और मतदान के लिए अवश्य आगे आए, लोकतंत्र के महापर्व को मनाएं। क्या मैडम बॉर्डर भी ब्लॉक किए जा रहे हैं? बॉर्डर सीलिंग की गई है क्योंकि 57 जो केसरगंज का क्षेत्र पड़ता है वो जनपद बहराइच में पड़ता है, तो इसके दृष्टिगत किया गया है।